जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर संजू तोमर ने बताया कि 3 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर में आयुष विभाग के योग विशेषज्ञों व आयुष योग सहायकों, योग समितियों के योग शिक्षकों तथा खेल विभाग के योग प्रशिक्षकों द्वारा योग का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्य कार्यक्रम के लिए पायलट रिहर्सल का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 19 जून को जिला स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा योग मैराथन का आयोजन किया जाएगा। कि सभी को डेली योग करना चाहिए। मैं डेली अपना योग प्राणायाम आसन सभी करती हूँ, जिससे मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मुझे कहीं परेशानी नहीं होती। जिन लोगों को बैक में दर्द रहता है, कमर में रहता है, सर्वाइकल रहता है, लेडीज़ों को तो ज़्यादातर मोस्टली ही योग प्राणायाम आसन सभी करने चाहिए। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी डेली रूटीन के कामों को थोड़ा गैप लगाकर आसनों को अपनी डेली रूटीन में लाएं। ये हमारी एक जीवन शैली बन जाए, जिससे आगे जाके हमें कोई समस्या ना हो। तो ये 3-3 दिन का सेशन है। अभी 10-11-12 को अधिकारी कर्मचारी, जिले के प्रशासनिक अधिकारी, ब्लॉक स्तर पर भी हमारा ऑर्गेनाइज हो रहा है प्रोग्राम। तो ब्लॉक स्तर के अधिकारी वहाँ कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी सारे के सारे लोग यहाँ पे कर रहे हैं। 21 जून को हमारा फाइनल प्रोग्राम है और 19 को इसमें हमारा पायलट रिहर्सल है। वैसे तो 21 जून की तरह होता है, लेकिन उसमें बस एक चीज़ एडिशनल है कि हम लोग मैराथन कराते हैं इसमें, लगभग 2 किलोमीटर की। तो मैराथन के बाद फिर वो पायलट रिहर्सल कंप्लीट हो जाता है। योग एक ऐसी चीज़ है, बिना दवाई के स्वस्थ रखने की केवल हमारे पास एक ही चीज़ है, योगा। अगर हम योगा से रेगुलर जुड़े रहेंगे तो शायद हमें दवाई की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। तो यही उसका है पूरा मोटिव योगा का।